दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इस समय अपनी शानदार बल्लेबाजी को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और इस बीच उन्होंने अपनी कप्तानी में कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया कि बाबर आजम ने महेंद्र सिंह धोनी के एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो चलिए बताते हैं आपको बाबर आजम के उस शानदार रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और बाबर आजम में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबर आजम ने बहुत ही कम समय में अपनी शानदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने बहुत ही कम समय में दुनिया भर के महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बाबर आजम अपनी शानदार बल्लेबाजी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं और फैंस सोशल मीडिया पर बाबर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हाल ही में बाबर आजम ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको सुनने के बाद आपके दिल में बाबर आजम की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए आपको उस कारनामे के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ में टेस्ट सीरीज चल रही है और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में बाबर आजम की कप्तानी में हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन जिम्बाब्वे को पारी और 147 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में भी मेजबान जिम्बाब्वे को पारी और 116 रन से हराया था। बाबर आजम की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम को 2-0 से हराकर पाकिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम पाकिस्तान के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिसने बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट मैच जीते हैं। बाबर ने इस साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी सरजमी पर खेले गए टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तान की टीम की कमान संभाली थी। 2 मैचों की सीरीज पर पाकिस्तान ने 2-0 से कब्जा किया था। इससे पहले टेस्ट में ये कारनामा भारत के MS धोनी ने किया था। 2008 में टेस्ट टीम की कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने 4 टेस्ट मैच जीते थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 ही ऐसे कप्तान हुए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट मैच जीते हैं। बाबर और धोनी उनमें से एक हैं। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को देश भर के सबसे बेहतरीन कप्तानों में गिना जाता है और धोनी ने कई ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए हैं जिन्हें तोड़ पाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने अपने करियर की शुरुआत में ही कप्तानी में MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, वो किसी तारीफ से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या बाबर आजम आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर पाएंगे या फिर उन्हें तोड़ पाएंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।